सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कबीरा क्लासेस। आइए आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आइए इस लेसन में हम सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन आती है उस डेफिनेशन को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे वो डेफिनेशन है क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है यानी कि फसल क्या होती है। देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन इन फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल। जब एक ही तरह के प्लांट्स को, एक ही तरह के पौधों को आप खेत के अंदर उगाते हैं तो उन्हें हम क्रॉप्स या क्रॉप प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे आप किसी खेत में एक ही तरह की फसल जैसे कि राइस चावल को उगाते हैं तो उस खेत में जो फसल होगी उसे हम केवल और केवल क्रॉप ऑफ राइस बोलेंगे। ठीक, इसके बाद में सेकंड डेफिनेशन आती है, व्हाट आर द क्रॉप सीजन। हमारे इंडिया के अंदर जो दो तरह के क्रॉप सीजन होते हैं मेनली, एक तो होता है रबी सीजन, दूसरा होता है खरीफ सीजन। अब इन दोनों सीजन में डिफरेंस क्या होता है एक एक करके हम स्टडी करेंगे। पहला है रबी सीजन क्रॉप्स। रबी सीजन क्रॉप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी हैं। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन, इन्हें विंटर सीजन में उगाया जाता है, इट मीन्स अक्टूबर और नवंबर। हार्वेस्टेड बाय मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में इनको हार्वेस्टेड करते हैं। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे वाइट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें रबी क्रॉप्स में आती हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में क्रीप सीजन क्रॉप्स। क्रीप सीजन क्रॉप्स क्या होती हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन, उन्हें रेनी सीजन में बोया जाता है, आई जून और जुलाई में। हार्वेस्टेड किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। एग्जांपल हैं इसके जैसे राइस, मेज़, कॉटन और पल्सिस। तो ये दो तरह के सीजन होते हैं हमारे पास में, रबी और खरीफ सीजन। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियाँ क्या हैं। तो कृषि पद्धतियाँ अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या होती हैं। देखिए फार्मर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है एक अच्छी फसल के लिए उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कई तरह की चीज़ें आती हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग ऑफ सीड, एप्लीकेशन ऑफ मैनर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सारे स्टेप्स जो हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन सभी को स्टडी करना है। जैसे सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, इसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, प्लोइंग एंड लेवलिंग। अब प्लोइंग और लेवलिंग क्या होती है आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे प्लोइंग क्या होती है। प्लोइंग या फिर जिसको हम टीलिंग भी बोलते हैं, प्लोइंग और टीलिंग क्या होती है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। मिट्टी को उलटने पलटने की जो प्रोसेस है उसको हम प्लोइंग और टीलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये लेवलिंग क्या होती है, जैसे ही आप प्लोइंग करते हैं तो उसके अंदर कई सारे बिग पीसेस रह जाते हैं मिट्टी के और इन्हें हम बोलते हैं क्रम्स। इन्हें क्या करना होता है कि ब्रेक इंटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में इनको तोड़ना होता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लेवलिंग। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है कि प्लोइंग कैन बी डन बाय एनी इक्विपमेंट। प्लोइंग किसी भी चीज़ से की जा सकती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स हैं जिनका यूज़ आप प्लोइंग के लिए कर सकते हैं, जैसे फ्लो हल हो, कुदाली एंड कल्टीवेटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी मदद से आप प्लोइंग कर सकते हैं। और लेवलिंग करने के लिए आपको एक पीस ऑफ वुड चाहिए, आयरन प्लैंक लकड़ी का एक फट्टा चाहिए जिससे आप लेवलिंग कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है सोइंग ऑफ सीड, बीजों को उगाना। जैसे ही सॉइल प्रिपेयर की जाती है उसके बाद में अगला स्टेप होता है पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर बीजों को रखना और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग। सोइंग करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप बाई हैंड यानि कि हैंड्स का यूज करके सोइंग कर सकते हैं, या तो आप हैंड का यूज करके सोइंग कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है सीड ड्रिल, सीड ड्रिल का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, बीजों को उगा सकते हैं। इसके बाद में
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ मैनोर एंड फर्टिलाइजर। अब आपको पता है कि अच्छी फसल के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मिट्टी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है, और ये न्यूट्रिएंट्स जो दिए जाते हैं अच्छे फसल के लिए वो कैसे दिए जाते हैं, बाय एडिंग मैनोर एंड फर्टिलाइजर। मैनोर और फर्टिलाइजर को ऐड करके ही उनको आप न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। अब डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, मैनोर क्या है? मैनोर एक सब्सटेंस है विच इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, जिसे एनिमल और प्लांट के वेस्ट से ऑब्टेन किया जाता है। जबकि फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर आर द केमिकल सब्सटेंस जो कि फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजर में आप एग्जांपल दे सकते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं एनपीके, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इरीगेशन। इरीगेशन यानी कि सिंचाई क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में आप देखेंगे दिस इज द सप्लाई ऑफ वाटर। पानी जब आप देते हैं टू द क्रॉप्स, फसल को इन द फील्ड, खेत के अंदर, तो आप इसे इरिगेशन या सिंचाई बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं इरिगेशन? इरिगेशन देने के कई सोर्सेज हैं, जैसे आप पंप से इरिगेशन कर सकते हैं, लेक से, कैनाल से, वेल से, ट्यूबवेल से, रिवर से और डैम से। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास में, व्हाट आर द मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कौन कौन से मेथड हैं। मेथड दो होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में मोट या जिसको पुली सिस्टम, चैन पंप, ढेकली या रैहट, ये सारे के सारे कौन से मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। इसके बाद में जो मॉडर्न मेथड में आते हैं स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम, ये दोनों के दोनों मॉडर्न मेथड हैं। इसके बाद में आता है वीडिंग। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो वीड्स क्या होते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं यानी कि अनचाहे पौधे, उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। अब ये वीडिंग क्या है, वीडिंग क्या होती है, दिस इज द रिमूवल ऑफ वीड्स। इन वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट को हटाने की जो प्रोसेस है उसे हम वीडिंग बोलते हैं। मेथड ऑफ वीडिंग क्या है, मेथड ऑफ वीडिंग यानी वीडिंग कैसे कर सकते हैं आप, खरपतवार को कैसे हटा सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल रिमूविंग करते हैं बाय हैंड और कटिंग दैम को काट करके, दूसरा बाय यूजिंग केमिकल और वीडिसाइड, केमिकल्स का यूज करके। जो मोस्ट कॉमन केमिकल यूज करते हैं डेट इज़ 2,4-D, इसको हम वीडिंग साइड बोलते हैं। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है हार्वेस्टिंग क्या होती है। अब फसलों को जो काटा जाता है, द काटने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स और इकट्ठा करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग करने के भी हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला यूजिंग ए सिकल, दराती से, यूजिंग ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, जिसको आप हार्वेस्टर बोलते हैं। इन दोनों तरीकों से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट जो टॉपिक हमारे पास में आता है, स्टोरेज, भंडारण कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 स्केल पे स्टोरेज की जाती है ग्रेन्स की। पहला है ऑन ए स्मॉल स्केल यानी जिसको डोमेस्टिक लेवल बोलते हैं, दूसरा ऑन ए लार्ज स्केल जिसको कमर्शियल लेवल बोलते हैं। अब डोमेस्टिक लेवल में हम क्या करते हैं, उन्हें जूट बैग और मेटालिक बिन्स में रखते हैं ग्रेन्स को। और जो लार्ज स्केल है कमर्शियल लेवल में हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है गनी बैग्स में, साइलों में, ग्रेनरी में। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से कौन कौन से फूड हमें ऑब्टेन होते हैं, वही है मिल्क, एग, मीट, हनी, फिश, ये सारे की सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।